ना 30 लाख में, ना 40 लाख में। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए फ्लैट लेके आया हूँ वो है मात्र 25 लाख में। जी हाँ दोस्तों, 1 BHK के प्राइस में 2 BHK का फ्लैट, वो भी 80% लोन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मा सस्ता घर के YouTube चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा इस फ्लैट से वेल कनेक्टेड क्या क्या चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, कौन कौन से स्कूल्स, कौन कौन से हॉस्पिटल्स इस फ्लैट के नियर अबाउट आपको मिलने वाले हैं, इस फ्लैट से कौन सा एयरपोर्ट नज़दीक पड़ेगा, कौन सा रेलवे स्टेशन नियर अबाउट पड़ेगा, मेट्रो से आप कैसे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं इस फ्लैट की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके रूफ टॉप पे। रूफ टॉप आपको इस फ्लैट के साथ कॉमन मिल जाता है, लिफ्ट मिल जाती है, कार पार्किंग मिल जाती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसकी कनेक्टिविटी की। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो येलो लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन आपको इस फ्लैट के नियर अबाउट मिल जाते हैं, जैसे कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और छतरपुर मेट्रो स्टेशन। दोनों ही आपको अप्रॉक्स 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर के रेडियंस में मिल जाते हैं। दोस्तों बात करूँ अगर मैं पार्क की, पार्क आपको यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर मिल जाता है, जिसको बोला जाता है पिकनिक हट। 48 एकड़ में वो पार्क पूरा डेवलप हो रखा है, DDA का वो पार्क है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आपसे स्कूल्स के बारे में, क्या क्या स्कूल्स इस लोकेशन से वेल कनेक्टेड हैं। अगर वसंत कुंज के स्कूल्स की बात करूँ, चाहे वो KV हो, चाहे भटनागर हो, चाहे वसंत वैली हो, मात्र 3 किलोमीटर के रेडियंस में आपको मिल जाता है। और अगर बात करूँ साकेत के स्कूल्स की, तो साकेत मात्र 5 किलोमीटर में आप कवर कर जाते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल्स इस लोकेशन से नियर अबाउट आपको 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में मिल जाते हैं। एम्स यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर है, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं। दोस्तों सिल्वर लाइन मेट्रो स्टेशन भी इस लोकेशन से बहुत ज़्यादा नियर अबाउट आ रहा है, जिससे कि आप एयरपोर्ट इजीली कवर कर जाते हैं। एयरपोर्ट भी यहाँ से मात्र 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फ्लैट की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं फ्लैट की एंट्रेंस में। अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ तो अप्रॉक्स 8 फुट बाय 3.5 फुट की आपको इस फ्लैट की एंट्रेंस मिल जाती है। अगर मैं इस 2 BHK फ्लैट के ड्राइंग एरिया की डायमेंशन की बात करूं तो अप्रॉक्स 12 फुट बाय 13 फुट का आपको ये इसका ड्राइंग एरिया मिल जाता है। ड्राइंग एरिया के साथ ही देखेंगे तो राइट साइड पे आपको किचन मिल जाती है 6 फुट बाय 8 फुट की। 2 BHK फ्लैट के साथ काफ़ी अच्छी और स्पेशियस किचन है, जिसमें सेमी मॉड्यूलर आपको किचन मिलती है। एग्जॉस्ट फैन और चिमनी के दोनों के प्रोविजन आपको किचन में मिल जाते हैं। CP फिटिंग्स की बात करूँ तो ब्रांडेड आपको इसमें फिटिंग्स मिल जाती है। इस फ्लैट के ड्राइंग एरिया में आपको फॉल सीलिंग करके मिलती है, जिसमें आपको सीलिंग लाइट मिल जाती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम इसके फर्स्ट बेडरूम में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ये पैसेज दिखाना चाहूँगा, जो कि आपको दोनों बेडरूम से कनेक्ट करता है। इसका डायमेंशन है 3.5 फुट बाय 16 फुट का। आप अपने तरीके से इसको इन्हांस कर सकते हैं, इस पैसेज को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको पड़ता है फर्स्ट वॉशरूम, जो कि कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो अप्रॉक्स 5.5 फुट बाय 6 फुट का आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। अगर फर्स्ट बेडरूम की एंट्रेंस की बात करूं तो 3 फुट बाय 8 फुट की आपको इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। ऊपर आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग की हुई है, जिसमें आपको सीलिंग लाइट लगा के दे रहे हैं फैंस के साथ। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो अप्रॉक्स 10 फुट बाय 11 फुट का आपको ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, जिसमें वेंटिलेशन का सोर्स इन्होंने ये शाफ्ट दे रखी है। शाफ्ट में आप अपना विंडो AC भी लगवा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ी और ह्यूज शाफ्ट है, एरी फ्लैट है, वेंटिलेटेड है। दोस्तों ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं बात करूँ आपके इस टाइल्स की तो विट्रीफाइड ग्लॉसी सिरेमिक इन्होंने टाइल्स लगा रखी हैं, जो कि आप इसके इस बेडरूम को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं। आइए दोस्तों चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में, जो कि ये पैसेज ही सेकेंड बेडरूम से भी कनेक्ट होता है। दोस्तों तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। अगर मैं सेकेंड बेडरूम की एंट्रेंस की बात करूँ, अप्रॉक्स 8 फुट बाय 3 फुट की आपको इसकी भी एंट्रेंस मिल जाती है। काफ़ी ह्यूज आपको ये बेडरूम मिल जाता है। अगर मैं इस बेडरूम के डायमेंशन की बात करूँ दोस्तों, मास्टर बेडरूम है, वॉशरूम और बैल्कनी के साथ आपको ये बेडरूम मिलता है। इसके डायमेंशन है 10 फुट बाय 13 फुट का। काफ़ी ह्यूज इस 2 BHK के साथ आपको ये मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अगर मैं इस बेडरूम के वॉशरूम के साइज़ की बात करूं तो अप्रॉक्स 4 फुट बाय 6 फुट का आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। दोस्तों इसी वॉशरूम के साथ आपको ये विंडो मिलती है, जो कि आपकी बालकनी से वेल कनेक्टेड है। आपको इसमें विंडो AC का प्रोविज़न भी मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस बेडरूम के फॉल सीलिंग्स की, तो फॉल सीलिंग में आपको कंसील लाइट्स मिल जाती हैं।
वर्टिकल कोफ के साथ दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 2BHK फ्लैट, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको इस फ्लैट का रिकैप कर देता हूँ। 2BHK ये फ्लैट है, लिफ्ट, कार पार्किंग, कॉमन टेरेस के साथ आपको ये फ्लैट मिल जाता है। 2 वॉशरूम्स, 2 बेडरूम, ड्रॉइंग एरिया, सेमी मॉड्यूलर किचन के साथ आपको ये फ्लैट मिल जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसके लैंड टाइटल के बारे में, लैंड टाइटल इसका लाल डोरा रजिस्ट्री है दोस्तों। लोन आपको इस पर ईजिली अवेलेबल हो जाता है, 80% लोन के साथ आपको ये फ्लैट मिल जाता है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस फ्लैट की आस्किंग मात्र 25 लाख रुपये, 25 लाख रुपीज़ में आपको ये फ्लैट मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट से मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में, तो दिल्ली जल बोर्ड का वाटर, BSCS के मीटर आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाते हैं। डेली नीड्स की बात करूँ, ग्रोसरी शॉप, वेजिटेबल शॉप, पूरी मार्केट आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाती है, आपके घर से वॉक इन डिस्टेंस पे ही दोस्तों। जो भी फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी घर लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द हमें कॉन्टैक्ट कर सकें दोस्तों। आप हमारी वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारी वीडियो शेयर नहीं करते और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। ये तो वही बात हो गई कि आप घर देख तो रहे हैं बट घर देखने नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं राजीव वर्मा फिर मिलूँगा नए वीडियो पे, नए सफ़र पे। नमस्कार।